सो वेरी गुड मॉर्निंग जी, उम्मीद करते हैं आप सब फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे। सो फिलहाल हमारी लखनऊ वाली सुबह है और आज हमारे नाश्ते में लखनऊ में गुजराती नाश्ता तो हमारी प्यारी सी बहू रानी ने बनाई है थेपले और उसके साथ बढ़िया सी दही की चटनी। तो ये वाली डिश मैं पहली बार ट्राई करूँगी और इसको थेपले को बोलते हैं कि मस्त, दो दिन तक अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो ये ख़राब नहीं होगा, दो दिन तक आराम से चलेगा। काइंड ऑफ पराठा है बस वो बहुत पतले पतले होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना बढ़िया सा नाश्ता। सो हम जा रहे हैं इससे, वाह देखने में क्या खतरनाक लग रही है ना, यकीन मानिए बहुत स्पेस है इसमें, हमारा सारा लगेज आ गया है। पर हम इस गाड़ी से ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक छोटी सी जहाँ पे हमें पहुँचना है एयरपोर्ट के लिए उधर ही जा रहे हैं। भाई साहब हमें ड्रॉप करेंगे। हाँ शिवाय ये सो रहे हैं, बस डेरे भी सो रहे हैं, शिवाय के जूते उते सब रख लिए हैं। चलो बाय 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 बाय, ये हाँ हाँ चलिए बाय पापा। पापा कह रहे मैं बाव नहीं दूंगा। हम आ चुके हैं अपने एयरपोर्ट और हमें ज्वाइन किया भाभी ने, भाभी हाय, मम्मी। तो हमारा फुल फैमिली ट्रिप है, कहाँ जा रहे हैं बता दें आपको, बता ही देती हूँ। तो हमारा प्लान है महाराष्ट्र एक्सप्लोर करने का, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है तो वो पूरा सेक्शन हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम जा रहे हैं बैग ड्रॉप करने यस एंड एयरपोर्ट पे। ये कुछ नया है बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मस्त इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। फोटो अभी लेंगे, दिस इज लुकिंग सो नाइस। आई थिंक ये प्लास्टिक का है, सब फोटो सेशन करा रहे हैं। यहाँ पे भी फोटो सेशन हो रहा है, पापा मम्मा सब लगे हुए हैं। सो फाइनली हमारी चेक इन हो गई है और बोर्डिंग पास वगैरह हमने ले लिए हैं। तो अभी सब घर वाले थोड़ा सा पीछे रह गए, कुछ काम था इन लोगों को, कुछ शॉपिंग वॉपिंग चल रही है। तो अभी हम और शिवाय अपने गेट के पास इंतज़ार कर रहे हैं अपने पूरी फैमिली मेंबर का और अभी वो सब अता पता लापता है। सो यहाँ पे आते ही इन जनाब को आ गई है पॉटी, इन्होंने कल से पॉटी नहीं करी है तो यहाँ पे खड़े होके प्रेशर लगाया जा रहा है, ये देखिए ताकत लगाई जा रही है। उन्होंने कहा अच्छा है क्लीन कर लें, फ्लाइट में ना करें और एटलीस्ट यहाँ पर मैं क्लीन तो कर पाऊँगी। आदर्श आदर्श का नंबर ये खा रहा है हमारा शिवाय फूड, उसको हम लोग मैगी बोलते हैं, वो में से लिखो ये मैगी बोलता है। मैगी खा रहे हो, अब प्लेन में बैठने आए हो, प्लेन कहाँ है? और शिवाय नहीं नहीं शिवाय नहीं सत्यार्थ ने ये बर्गर छोड़ दिया है। इस लड़के को वम मछली नहीं खाना है, ये कुरकुरे खाना है। तो इधर हमारे कुरकुरे चल रहे हैं, पापा फोन में लगे हैं, दादा मस्त बर्गर वर्गर उड़ा चुके हैं, पेप्सी वगैरह पी चुके हैं। दादा आपका पेट भर गया? सत्यार्थ दादा पेट भर गया? अच्छा अभी बर्गर खाया है आपने? नहीं मेरा पेट नहीं हुआ है। बर्गर बढ़िया है, यहाँ कुरकुरे खाए जा रहे हैं मस्त चाव से, ये देखिए। तो ये सत्यार्थ की पहली फ्लाइट है। सत्यार्थ कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल मस्त मस्त, मजा आ रही है? यस यस। डर नहीं लग रहा? अभी लगेगा जब ये तेज से चलेगा। तेज चलेगा शिवाय, क्या कर रहा है ये बार बार अपने सीट बेल्ट ओपन कर दे रहे हैं। Yeah.
भाई और मेरा दोनों का है। क्या दादा उड़ाए पड़े हुए? दादा मजा आ रहा है? इतना अच्छा है। अच्छा है। दादा के डांस भी हो रहा है। शिवाय का कार्टून चल रहा है और शिवाय ऑलरेडी खा चुके हैं। हमने अपना लगेज वगैरह पिक कर लिया है और अभी हम हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। सो यहाँ से हमें जाना है भीमा शंकर, तो डायरेक्ट यहाँ से उधर ही निकलेंगे। तो थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाए क्योंकि भीमा शंकर पहुँचते शायद हमें 9:30 या हो सकता 10 बज जाए। तो अभी यहाँ से काफ़ी लंबा सफ़र है और समय हो रहा है कुछ 4:30। तो ये रही हमारी ट्रैवलर मम्मी भाभी, अपनी मस्ती ट्रैवलर आ गई। हम जाएंगे भीमा शंकर, तो आपको अंदर से चल के दिखाते हैं, मजा आएगा। वाली जो मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी? हम साथ साथ हैं, वही वाला फीलिंग आ रहा है। ये हमारी ट्रैवलर। हाँ हम बैठेंगे। हाँ अच्छे बैठे क्या? वहाँ से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो गया था, तो अभी मस्त खाना वाना खा करके अब जा रहे हैं सोने। आप चेहरे से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थकान है और हल्का सा जुकाम हो गया है। जगह चेंज हुई है, मुझे हल्का सा था और हो गया, और शिवाय को भी हो गया। तो अभी क्या है कि कल सुबह उठ करके हमें जाना होगा भीमा शंकर, और जो कि यहाँ से है कुछ 3 घंटे का रास्ता है ना। सो 3 घंटे का रास्ता है, और क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो लो क्या बोलते हैं इसको, लोनावला पड़ता है। तो ये काफ़ी खूबसूरत है, मतलब माउंटेनी एरिया है, थोड़ा हिली एरिया है, तो व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। आपको देखा ही होगा अपने वीडियोस में। तो इस ब्लॉग को करेंगे ये पसंद, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट अपडेट के साथ। Thank you.